हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं नेबीडो के साथ और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेसिक मेडिसिन ऑफ द पेन। दर्द के लिए बहुत अच्छी यूज होने वाली मेडिसिन है, बट आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम लोग बिल्कुल जिस बुक से हम लोग इसे डिस्कस करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा आज कि ये आपको दिखेंगे सेंस ऑफ मेटेरिया मेडिका जॉर्ज अतुल कास। ये बहुत अच्छी एक बुक है और इसमें से हम लोग जिस मेडिसिन को आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्राइनिया। आज हम ब्राइनिया के बारे में कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो जॉर्ज अतुल कास ने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे इस मेटेरिया मेडिका में डाली है ताकि नॉर्मल बॉडी की जो आपकी बुक है उससे हटके जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं वो हमें आज समझ में आएंगी। जैसे आज एक मेरे पास पेशेंट आए थे, वो जो पेशेंट थे एंजाइटी के पेशेंट हैं, वो उनकी प्रॉब्लम उनका डाइवोर्स हुआ है अभी, तो एक एंजाइटी है अकेलेपन से, लोनलीनेस उनको फील होती है, फिर गट में एक अजीब सी फीलिंग होती है कि हाँ कुछ खालीपन है और माउथ ड्राई है उनका। ये सब होम्योपैथी बहुत अलग साइंस नहीं है, A+B+C+D आप जोड़ते चले जाएं और आखिरी में जो मेडिसिन मिले वो मेडिसिन आपकी है। जैसे कि हमने पहले मेंटल सिम्टम्स लिए कि दिमाग में क्या चल रहा है, अब जैसे पेशेंट ने मुझे बताया कि सर दिमाग में मुझे अकेलापन लग रहा है, डाइवोर्स होने के बाद मैं बड़ा ही लोनली फील कर रहा हूँ और एक अजीब सी घबराहट है मुझे, अपने फ्यूचर को लेके वो घबरा रहे हैं। एक्चुअली वो जो फीमेल है वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत एंजाइटी में थी कि अब जो मुझे नया पार्टनर मिलेगा वो कैसा होगा, मैं कैसे उसके साथ रहूँगी, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो इसमें जो रूब्रिक लगेगी वो है एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। मैं वो भी आपको बताऊँगा कि एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर की जो रूब्रिक लगेगी वो इसमें लगेगी। दूसरी इसमें जो रूब्रिक लगेगी वो है कि एक लोनलीनेस इंसान के साथ आती है, अकेलापन, माइंड एजिटेशन, शांत नहीं है, हिल रहा है बार बार। ब्रैनिया में भी सेम चीज़ हमें देखने में मिलती है। दूसरा माउथ ड्राइनेस था उनका, अभी उनको बीच में वायरल हुआ, अभी उनको बुखार खांसी जुकाम हुआ, उसके बाद से उनकी एंजाइटी बढ़ी हुई है। तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, हम ना तो फीवर को छोड़ सकते हैं, ना उनको थ्रोट इन्फेक्शन को छोड़ सकते हैं, ना उनकी एंजाइटी को छोड़ सकते हैं। तो ये जब हमने तीनों चीज़ें मिलाई तो हमारी जो मेडिसिन निकल के आई वो थी ब्राइनिया। अब वैसे तो ब्राइनिया का वो दर्द में बहुत अच्छा रोल है, एज ए पेन किलर काम करती है, बट आज मैं जिस ब्राइनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्राइनिया सेम ही मेडिसिन है लेकिन आज इसका यूजेस है वो एंजाइटी के लिए मैंने दी है पेशेंट को। और अभी मॉर्निंग में आफ्टरनून में मैंने 2 बजे उनको प्रिस्क्राइब किया था और इवनिंग में उनका कॉल आया कि वो शांत हो गए हैं और वो बीच में सो गए थे अभी दोपहर में, अभी उठे हैं तो उनका कॉल आया कि हाँ वो ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल मिरेकल की तरह काम करती है। मैं तो आज मेरे मन में आया कि मैं आप सबको ब्रैने के बोल थोड़ा सा और ब्रीफ में जाएँ और थोड़ा से मतलब कि ब्रीफ करें लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन मोड पर चले जाएँ। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी है इसमें आ रही है कि ब्रैनिया की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो है लोनलीनेस, अकेलापन, इनसिक्योरिटी। ब्रैनिया पेशेंट्स आर विड्रॉन इनटू देमसेल्फ्स पर्पसली, आइसोलेटेड फ्रॉम द सोशल कॉन्टैक्ट, वो दुनिया से एकदम दूर हट जाएंगे। डीप फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब उन्हें अंदर से एक इनसिक्योर लगेगा कि मेरा क्या होगा, अब ये चीज़ नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हो गया। ये इनसिक्योर फीलिंग जो आ रही है वो ब्रैनिया में रहती है। क्वाइट कंटेंट टू लिव अलोन, अकेले में रहना पसंद करते हैं। दे लिव इन द डार्क रूम,
एक डार्क रूम में रहेंगे वो, बिल्कुल भी लाइट उनको बर्दाश्त नहीं होगी। लाइट जलती ही उनमें एंजाइटी क्रिएट होगी, क्यों? जैसी लाइट जलेगी तो कॉर्निया पे एजिटेशन होगी, यानी कि मूवमेंट, जैसी मूवमेंट होगी तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ब्राइनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम मूवमेंट के साथ है। अगर बॉडी मूव करेगी तो प्रॉब्लम में एग्रवेशन होगा, अगर बॉडी एकदम शांत है, स्थिर है, तो एग्रवेशन नहीं होगा। तो ब्राइनिया की सबसे बड़ी मतलब कि पैकुलियर चीज़ ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई थिंक दिखेगा आपको, एग्रवेशन फ्रॉम एनी मोशन, जितनी भी एग्रवेशन है उन सबसे आपको मोशन देखने को मिलेगा, मतलब मोशन से एग्रवेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, जो ब्राइनिया है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है दूसरों से और अकेला रहता है, डार्क रूम में रहता है, और इसमें जो दूसरी मेन रूब्रिक लगती है वो है आपकी फियर ऑफ, इसमें डर रहता है, गरीबी का डर, आपकी जो पॉवर्टी कि मुझे गरीब नहीं होना, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे इनसिक्योरिटी फीलिंग आएगी गरीब होने से, ठीक। एग्रेसिवनेस रहेगी ब्राइनिया के साथ, एजिटेशन तो रहती है पेशेंट में, और माउथ ड्राइनेस रहती है। और ब्राइनिया जो सबसे अच्छा काम करती है वो है वन साइडेड हेडेक, मेनली लेफ्ट साइडेड। अगर आपकी प्रॉब्लम लेफ्ट साइडेड है तो आप बिल्कुल आँख को बंद करके ब्राइनिया दे दीजिए, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और दूसरी इसमें इसमें पैकुलर चीज़ आती है कि अगर आपको कहीं पर दर्द हो रहा है और आप उसको दबा रहे हैं और आपको आराम मिल रहा है तो वो ब्राइनिया है, मतलब उसको प्रेशर से एम्बलेशन है और मूवमेंट और एजिटेशन से एग्रवेशन है। ये सबसे पैकुलर चीज़ है ब्राइनिया की। और इसमें जो हमने दूसरी जो इसमें मेडिसिन हम लोग मिला देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रस्टॉक्स है, बेलाडोना है, ये सारी ब्राइनिया की तरह काम करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? रस्टॉक्स में मूवमेंट के साथ में पेन नहीं होता, मतलब उसमें एजिटेशन नहीं है, ब्राइनिया में है, मोशन से एग्रवेशन है। रस्टॉक्स में मोशन से एग्रवेशन नहीं है, वो बैठा है तब भी उसको दर्द हो रहा है, वो लेटा है तब भी उसको दर्द हो रहा है, वो हिल रहा है तब भी उसे दर्द हो रहा है। ब्राइनिया में बैठ गया आराम मिल गया, लेट गया तो आराम मिल गया, जैसे अपनी पोजीशन चेंज करी तो एग्रवेशन हो गया। ये बहुत ही बेसिक डिफ्रेंसिएशन है रस्टॉक्स ब्राइनिया का। बाकी इसमें एक इसकी जो लाइन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक्यूट ब्राइनिया केसेस डेवलप्स ओवर ए पीरियड ऑफ डेज, परहैप्स देयर इज एन एक्सपोजर टू कोल्ड बट फ्यू सिम्टम्स अकर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, ए फीवर में अपीयर बाय द थर्ड डे और सो एंड देन ए फुल ब्लोन इलनेस इज अपेरेंट बाय द फोर्थ डे, द सेम प्रोग्रेस इज ट्रू फॉर द जैल्सीमियम। इससे आप जैल्सीमियम से भी, मतलब जैल्सीमियम इसके बहुत ही नियर बाय मेडिसन है, बट उस दोनों में डिफरेंस है। जैल्सीमियम आपको अगर एक्यूट डिजीज है तो जैल्सीमियम में आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा, ये आईलिड भारी होती हैं, ब्राइनिया में ऐसी नहीं होती, ब्राइनिया में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगा, जैल्सीमियम में डल पेन रहेगा या फिर वीकनेस आएगी बॉडी में, ठीक, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट थिंग इसमें जो हमें देखने को मिलेगी ब्राइनिया में, आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है ब्राइनिया। आर्थराइटिस के पेशेंट आपने देखे होंगे कि मूवमेंट के साथ दर्द होता है, बैठेंगे तो आराम मिलेगा, हिलेंगे तो दर्द होगा, तो जहाँ भी मूवमेंट के साथ पेन है तो वहाँ पे आप ब्राइनिया दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट के अदर सिम्टम भी मिलने चाहिए, उसका मेंटल मेकअप मिलना चाहिए। मैंने कहा ना A+B+C+D, जब ये चारों चीज़ आप मिला देंगे तब जाके आपको एक मेडिसिन मिलेगी। आज उस पेशेंट को कहीं भी दर्द नहीं है, उस पेशेंट को कोई भी पेन नहीं है, उस पेशेंट को एंजाइटी है, मैंने उसके लिए ब्राइनिया उसे दिया और वो बहुत अच्छा रिकवर किया। वो पेशेंट भी डॉक्टर है, एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो, मेरे 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 जानकार हैं, और
तो लेकिन हमारे में सबसे बुरी बात यह है कि हम सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। अगर हम बीमार होते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, हमें अपने जो हमारे मतलब साथी हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम सिम्टम को मैच करेंगे तो हम लोग बाइस्ड हो जाएंगे, हमारे में बाइस्डनेस आएगी, मतलब हम उसको पेकुलरिटी में नहीं लेके आ पाएंगे, तो हमको अपने साथी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उनको मैंने ब्रानिया दी आज और वो बहुत अच्छे रिकवर हो गए। नेक्स्ट थिंग, ब्रानिया ओपन हैज एन आफ्टरनून टाइम एग्रवेशन, दोपहर के बाद आपको एग्रवेशन देखने को मिलेगा, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में, 7 बजे के बीच में और 9 बजे के आसपास आपको एग्रवेशन मिलेगा लास्ट। दिस कैन बी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन सिम्टम ऑफ द ब्रानिया वेन एवर इट इज प्रेजेंट जस्ट एज 9 AM एग्रवेशन कैन। अगर सुबह 9 बजे एग्रवेशन होता है तो वो है आपकी है कैमोमिला, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। आफ्टरनून एग्रवेशन में आपको ब्रानिया काम करेगी, मॉर्निंग एग्रवेशन अगर हो रहा है तो उसमें जो आपकी जो कैमोमिला काम करेगी। और ब्रानिया में डिजायर क्या रहती है, ऑयस्टर की डिजायर रहती है और वार्म बींग्स, मतलब गर्म चीज़ें उसको अच्छी लगती है, जैसे गले में दर्द है तो वो गर्म गर्म चाय पिएगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ब्रानिया उसका पेट खराब है ब्रानिया में, तो उसको गर्म चीज़ें एम्बुलेट करेंगी, यानी कि ठीक करेंगी, आराम देंगी। और ये ब्रानिया पेशेंट को चक्कर आते हैं, जैसे अपना सर घुमाएगा तब भी उसको चक्कर आएंगे, और लेफ्ट साइडेड होता है और राइट साइडेड में जैसी वो या तो वो करमट लेगा या वो जो मुड़ेगा तो एग्रवेशन होगा। ये मैंने जो ब्रानिया आज आपको बताई है, ये मैंने प्योरी मतलब जो ये पितृकाश की हैं उससे मैंने आपको बताई है, और आई होप कि आपको इसमें वैसे बहुत कुछ है, अभी और भी चीज़ें हैं ब्रानिया में, लेकिन जो ये पेकुलियर चीज़ थी ब्रानिया की वो मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वाले चैनल को उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे व्यूअर्स बहुत सारे हैं बट सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, वीडियोस देखते हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप उससे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देख के आऊँगा ताकि आपको होम्योपैथी की बेसिक को जानने का मौका मिले और आपका जो नॉलेज का एक जो स्फेयर है वो काफ़ी वाइड होगा। तो एक आपका एक जो बटन दबा देंगे आप ना उसको सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत हेल्प करेगा, एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है। हर काम को करने के लिए हमें मोटिवेट होना पड़ता है और ये आपका मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसे ही अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। आज 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो हर घर तिरंगे का एक अमृत महोत्सव मनाया गया है हमारे यहाँ भी, और वो चीज़ देखने को मिल रही है मुझे हर जगह। तो ये आज की ये जो मेडिसिन है ये मेरा आज इंडिपेंडेंस डे का एक तोहफा है कि आप सबको जो हम जिस दर्द में रहे हैं इतने समय तक, जब तक हम लोग गुलाम थे, हमने फिर आज़ादी ली तो वो जो पेन था, तो आज मैंने एक मेडिसिन भी ऐसी चुनी जो हर दर्द को कम कर सकती है। तो ये मेरा तोहफा रहेगा आपके लिए और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।